हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग बचे हुए जितने फ्रेजल वर्ब्स हैं 100 उनको कवर करेंगे नीतू मैम की बुक से, जो कि ए टू जेड उन्होंने जितना भी इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उन्होंने अपने बुक में कवर किया हुआ है, जिसको मैं वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और मैंने 200 कवर कर दिया है और आप सभी का अच्छे से तैयार हो चुका होगा फ्रेजल वर्ब। तो बढ़ते हैं, जो लास्ट में 101 और बचे हुए फ्रेजल वर्ब हैं उनको हम इस सेशन में कवर कर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक फॉर मतलब किसी बात में सहायक होना। मेक फॉर मीन्स किसी बात में सहायक होना, इंग्लिश मीनिंग टू मेक पॉसिबल, टू मेक पॉसिबल। नेक्स्ट मेक ऑफ, मेक ऑफ मतलब अभिप्राय को समझना या से बना होना, अभिप्राय को समझना से बना होना, इंग्लिश मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट फ्रॉम, टू अंडरस्टैंड, टू प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट फ्रॉम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब मेक ऑफ, ओ डबल एफ, ये मेक ऑफ था जो कि इसका मतलब होता है अभिप्राय को समझना या फिर से बना होना, और ये है मेक ऑफ, ओ डबल एफ मतलब किसी चीज़ को लेकर के भाग निकलना, किसी चीज़ को लेकर भाग निकलना, इंग्लिश मीनिंग टू रन अवे विथ, टू रन अवे विथ। नेक्स्ट मेक आउट, मेक आउट मतलब समझना, समझना, इंग्लिश मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मेक ओवर, मेक ओवर मतलब परिवर्तित, परिवर्तित या स्थानांतरित करना, परिवर्तित या स्थानांतरित करना, इंग्लिश मीनिंग कन्वर्ट, रेडो या रिनोवेट, कन्वर्ट, रेडो या रिनोवेट। नेक्स्ट मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ मतलब पूरा पूरा लाभ उठाना, पूरा पूरा लाभ उठाना, इंग्लिश मीनिंग टू यूज द, टू यूज टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, टू यूज टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। मेक अप, मेक अप मतलब बनाना या रचना, जैसे कहानी बनाना या बहाना बनाना या फिर कहानी रचना इत्यादि। और क्षतिपूर्ति करना, मेकअप मीन्स क्षतिपूर्ति करना, बनाना या रचना जैसे कहानी बहाने इत्यादि, इंग्लिश मीनिंग इन्वेंट समथिंग लाइक एक्सक्यूज और स्टोरी। और टू कंपेंसेट फॉर, टू कंपेंसेट फॉर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स मेक अप वंस माइंड, मेक अप वंस माइंड मतलब निर्णय कर लेना, निर्णय कर लेना, इंग्लिश मीनिंग डिटरमाइन, डिटरमाइन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब मीट विथ, मीट विथ मतलब अनुभव करना, अनुभव करना, इंग्लिश मीनिंग टू एक्सपीरियंस और अंडरगो, टू एक्सपीरियंस और अंडरगो। नेक्स्ट ऑन द मेक, ऑन द मेक मतलब बनने की क्रिया में, बनने की क्रिया में, इंग्लिश मीनिंग इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग। मैस अबाउट, मैस अबाउट मतलब समय बिताना बिना किसी विशेष उद्देश्य के, समय बिताना, इंग्लिश मीनिंग टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी पर्पस ऑन प्लान, टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी पर्पस ऑन प्लान। मैस अप, मैस समवन अप, मैस किसी को अप मतलब पीटना, किसी को पीटना, इंग्लिश मीनिंग टू बीट या रफ समवन, टू बीट या रफ समवन। या फिर मैस समथिंग अप किसी चीज़ को, मैस अप समथिंग मतलब कि अस्त व्यस्त करना, अस्त व्यस्त करना, इंग्लिश मीनिंग टू मेक समथिंग डिसऑर्डरली, टू मेक समथिंग डिसऑर्डरली। नेक्स्ट मैस अप, मैस अप मतलब गलती करना, गलती करना, इंग्लिश मीनिंग टू मेक एन एरर, टू मेक एन एरर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब मैस विथ, मैस विथ मतलब के साथ गड़बड़ या किसी चीज़ के साथ गड़बड़ करना, मैस विथ, इंग्लिश मीनिंग
टू अल्टर समथिंग इम्प्रॉपरली या टू डिसीव और कन्फ्यूज समवन. टू अल्टर समथिंग इम्प्रॉपरली या टू डिसीव और कन्फ्यूज समवन. मैस विथ मतलब के साथ गड़बड़ करना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मतलब होता है के साथ गड़बड़. डोंट मैस विथ द सिटिंग अरेंजमेंट, ये आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, डोंट मैस विथ द सिटिंग अरेंजमेंट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब मूव इन. मूव इन मतलब नए घर या फिर ऑफिस में प्रवेश करना, नए घर या ऑफिस में प्रवेश करना. इंग्लिश मीनिंग टू इंटर अ न्यू हाउस और प्लेस बिजनेस. टू इंटर अ न्यू हाउस और प्लेस बिजनेस. नेक्स्ट मूव ऑन. मूव ऑन मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना. इंग्लिश मीनिंग टू कंसंट्रेट वंस इमोशंस और अटेंशन ऑन अदर मैटर इन रिकवरिंग फ्रॉम अ सेटबैक और डिफिकल्टी. टू कंसंट्रेट वंस इमोशंस और अटेंशन ऑन अदर मैटर इन रिकवरिंग फ्रॉम अ सेटबैक और डिफिकल्टी. मूव आउट. मूव आउट मतलब रहने का स्थान छोड़ देना, रहने का स्थान छोड़ देना. इंग्लिश मीनिंग टू लीव अ हाउस. टू लीव अ हाउस. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब नोज आउट. नोज आउट मतलब बहुत कम अंतर से हारना या सावधानी से निकलना, बहुत कम अंतर से हारना, हराना, सॉरी. नोज आउट मतलब बहुत कम अंतर से हराना या सावधानी से निकलना, बहुत कम अंतर से हराना, सावधानी से निकलना. इंग्लिश मीनिंग टू डिफीट बाय अ नैरो मार्जिन या टू मूव कॉशियसली आउट ऑफ द सेम प्लेस. टू डिफीट बाय अ नैरो मार्जिन या टू मूव कॉशियसली आउट ऑफ द सेम प्लेस. नोट डाउन. नोट डाउन मतलब लिखना, याद रखने के लिए लिखना, याद रखने के लिए लिखना. इंग्लिश मीनिंग टू राइट समथिंग सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट. टू राइट समथिंग सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट. ऑक्योर टू. ऑक्योर टू मतलब ध्यान में आना, ध्यान में आना. इंग्लिश मीनिंग टू कम टू माइंड. टू कम टू माइंड. पार्ट फ्रॉम. पार्ट फ्रॉम मतलब छोड़ देना व्यक्ति को, जैसे व्यक्ति को छोड़ देना. इंग्लिश मीनिंग टू लीव और रीअनाउंस समवन. टू लीव और रीअनाउंस समवन. पार्ट विथ. पार्ट विथ मतलब छोड़ देना, किसी वस्तु को छोड़ देने के लिए पार्ट विथ और किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए पार्ट फ्रॉम, छोड़ देना वस्तु को. इंग्लिश मीनिंग टू लीव और रीअनाउंस समथिंग. टू लीव और रीअनाउंस समथिंग. पास अवे. पास अवे मतलब मर जाना, मर जाना. इंग्लिश मीनिंग टू डाई. टू डाई. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे फॉर. पे फॉर मतलब गलती का हर्जाना भरना, गलती का हर्जाना भरना. इंग्लिश मीनिंग टू सफ़र फॉर डूइंग सम मिस्टेक. टू सफ़र फॉर डूइंग सम मिस्टेक. प्ले एट. प्ले एट मतलब बिना रुचि के कोई काम करना, बिना रुचि के कोई काम करना. इंग्लिश मीनिंग टू डू विदाउट इंटरेस्ट और हाफ हर्टेडली. टू डू विदाउट इंटरेस्ट और हाफ हर्टेडली. प्ले डाउन. प्ले डाउन मतलब किसी बात के महत्व को कम करके आंकना, किसी बात के महत्व को कम करके हाँकना, आंकना, किसी बात के महत्व को कम करके आंकना. इंग्लिश मीनिंग टू मेक समथिंग अपीयर लेस इम्पॉर्टेंट. टू मेक समथिंग अपीयर लेस इम्पॉर्टेंट. प्ले ऑन. प्ले ऑन मतलब का लाभ उठाना, का लाभ उठाना. इंग्लिश मीनिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ. टू टेक एडवांटेज ऑफ. पुट असाइड. पुट असाइड मतलब भविष्य के लिए बचाकर रखना या उपेक्षा करना, भविष्य के लिए बचाकर रखना या उपेक्षा करना. इंग्लिश मीनिंग टू स्टॉप यूजिंग अनटिल लेटर. टू स्टॉप यूजिंग अनटिल लेटर या टू डिसरिगार्ड. टू डिसरिगार्ड. पुट डाउन. पुट डाउन मतलब दमन करना, दमन करना. इंग्लिश मीनिंग टू सप्रेस. टू सप्रेस या टू क्रिटिसाइज. टू क्रिटिसाइज. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ. ओ डबल एफ. पुट ऑफ मतलब स्थगित करना,
स्थगित करना, इंग्लिश मीनिंग टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन और टू रिपेल, एज फ्रॉम बैड मैनर्स, स्थगित करना, टू पोस्टपोन और टू रिपेल एज फ्रॉम बैड मैनर्स. पुट ऑन, पुट ऑन मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करना या पहनना, पुट ऑन, इंग्लिश मीनिंग एज्यूम, एज्यूम और टू क्लॉथ वन सेल्फ टू एक्सटिंगाइज, एज्यूम टू क्लॉथ वन सेल्फ टू एक्सटिंगाइज. नेक्स्ट पुट थ्रो, पुट थ्रो मतलब किसी को मुसीबत में डालना, किसी को मुसीबत में डालना, इंग्लिश मीनिंग टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट. पुट अप, पुट अप मतलब ठहरना, ठहरना, इंग्लिश मीनिंग टू प्रोवाइड लोडिंग फॉर, टू प्रोवाइड लोडिंग फ्रॉम. पुट अप, पुट अप मतलब निर्माण करना, निर्माण करना, इंग्लिश मीनिंग टू इरेक्ट और बिल्ट, टू इरेक्ट और बिल्ट. पुट टुगेदर मतलब बनाना, बनाना, इंग्लिश मीनिंग टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट, टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट. पे ऑफ, ओ डबल एफ, पे ऑफ मतलब फलदायक होना, फलदायक होना, इंग्लिश मीनिंग टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब प्ले ऑन, प्ले ऑन या प्ले अपॉन मतलब भावनाओं का नाजायज फ़ायदा उठाना, भावनाओं का नाजायज फ़ायदा उठाना, इंग्लिश मीनिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ अनदर्स एटीट्यूड्स और फीलिंग्स, भावनाओं का नाजायज फ़ायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ अनदर्स एटीट्यूड्स और फीलिंग्स. रन डाउन, रन डाउन मतलब कमज़ोर होना, हरा देना, आलोचना करना, कुचलना, रन डाउन मीन्स कमज़ोर होना, हरा देना, आलोचना करना या कुचलना, इंग्लिश मीनिंग बिकम वीक, डिस्पैरेज, टू क्रिटिसाइज, टू क्रश. बिकम वीक, डिस्पैरेज, टू क्रिटिसाइज, टू क्रश. रन इनटू, रन इनटू मतलब बनना, समस्या में पड़ जाना, अचानक मुलाकात करना, बनना, समस्या में पड़ जाना, अचानक मुलाकात करना, इंग्लिश मीनिंग ट्रांसफॉर्म इनटू, अमाउंट अप टू, टू फेस, टू मीट बाय चांस. ट्रांसफॉर्म इनटू, अमाउंट अप टू, टू फेस, टू मीट बाय चांस. रन ऑफ, ओ डबल एफ, रन ऑफ मतलब लेकर के भाग जाना, लेकर भाग जाना, इंग्लिश मीनिंग टू रन अवे, टू रन अवे. रन आउट, रन आउट खत्म होना, खत्म होना, इंग्लिश मीनिंग टू बिकम यूज्ड अप, बी एग्जॉस्टेड, टू बिकम यूज्ड अप या बी एग्जॉस्टेड. रन ओवर, रन ओवर मतलब कुचला जाना, कुचला जाना, इंग्लिश मीनिंग टू बी क्रस्ट बेनिथ, टू बी क्रस्ट बेनिथ, टू बी क्रस्ट बेनिथ. रन शॉर्ट ऑफ, रन शॉर्ट ऑफ मतलब कम पड़ जाना, कम पड़ जाना, इंग्लिश मीनिंग एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट. रन थ्रो, रन थ्रो मतलब भेद देना, सरसरी निगाह डालना, भेद देना या सरसरी निगाह डालना, इंग्लिश मीनिंग टू पायर्स, टू पायर्स या टू रिहर्स क्विकली, टू रिहर्स क्विकली. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स सी थ्रो, सी थ्रो मतलब सच्चाई भांप जाना, सच्चाई भांप जाना, इंग्लिश मीनिंग टू रियलाइज द ट्रुथ, टू रियलाइज द ट्रुथ. सी टू, सी टू मतलब निपटाना, निपटाना, इंग्लिश मीनिंग टू अटेंड टू, टू अटेंड टू. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब सी ऑफ, ओ डबल एफ, सी ऑफ मतलब विदा लेना, विदा लेना, इंग्लिश मीनिंग टू टेक लीव ऑफ, टू टेक लीव ऑफ. नेक्स्ट सेंड फॉर, सेंड फॉर मतलब बुलावा भेजना, बुलावा भेजना, इंग्लिश मीनिंग टू कॉल या समन, टू कॉल या समन. सेट अबाउट, सेट अबाउट मतलब
प्रयास प्रारंभ करना, किसी कार्य को करने का प्रयास प्रारंभ करना, इंग्लिश मीनिंग टू इनिशिएट, टू इनिशिएट। सेट अपार्ट, सेट अपार्ट मतलब आरक्षित करना, आरक्षित करना, इंग्लिश मीनिंग टू रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक यूज, टू रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक यूज। सेट असाइड, सेट असाइड मतलब रद्द करना, रद्द करना, इंग्लिश मीनिंग टू रिजेक्ट और डिस्कार्ड, टू रिजेक्ट और डिस्कार्ड। नेक्स्ट सेट फोर्थ, सेट फोर्थ मतलब विचार हेतु रखना या शब्दों में बताना, विचार हेतु रखना, विचार के लिए रखना और शब्दों में बताना, इंग्लिश मीनिंग टू प्रेजेंट फॉर कंसिड्रेशन और टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, टू प्रेजेंट फॉर कंसिड्रेशन, टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सेट इन, सेट इन मतलब स्थापित हो जाना, स्थापित हो जाना, इंग्लिश मीनिंग टू बिगिन टू हैपन, टू बिगिन टू हैपन। सेट ऑफ, ओ डबल एफ, सेट ऑफ मतलब शुरू करना, शुरू करना, इंग्लिश मीनिंग टू ऑक्यूर, टू एक्सप्लोड, टू ऑक्यूर, टू एक्सप्लोड। सेट अप, सॉरी सेट अप, ऑफ नहीं, सेट अप, सेट अप मतलब स्थापित करना, स्थापित करना, इंग्लिश मीनिंग टू एस्टेब्लिश, टू एस्टेब्लिश। सेट अपॉन, सेट अपॉन मतलब अचानक आक्रमण कर देना, अचानक आक्रमण कर देना, इंग्लिश मीनिंग टू अटैक वॉयलेंटली, टू अटैक वॉयलेंटली। शूट डाउन, शूट डाउन मतलब हरा देना, निराश करना, हरा देना, निराश करना, इंग्लिश मीनिंग टू डिफीट डिसअपॉइंट, टू डिफीट डिसअपॉइंट। नेक्स्ट शूट अप, शूट अप मतलब तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना, इंग्लिश मीनिंग टू ग्रो रैपिडली, टू ग्रो रैपिडली। सिट ऑन, सिट ऑन मतलब दबा देना, दबा देना, इंग्लिश मीनिंग टू सप्रेस और पोस्टपोन, टू सप्रेस और पोस्टपोन। स्मार्ट अंडर, स्मार्ट अंडर मतलब पीड़ित होना, पीड़ित होना, इंग्लिश मीनिंग टू बी एफ्लिक्टेड विथ, टू बी एफ्लिक्टेड विथ। स्माइल ऑन, स्माइल ऑन मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, इंग्लिश मीनिंग टू ब्लेस, टू ब्लेस। नेक्स्ट रीजल वर्ब्स, सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट मतलब समस्या को सुलझाना, समस्या को सुलझाना, इंग्लिश मीनिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, टू फाइंड अ सॉल्यूशन। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय मतलब वफादार रहना, के लिए तैयार करना, स्टैंड बाय मतलब वफादार रहना या किसी के लिए तैयार करना, इंग्लिश मीनिंग टू रिमेन लॉयल और टू बी रेडी, टू रिमेन लॉयल और टू बी रेडी। स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर मतलब अर्थ होना, किसी विचार को समर्थन देना, अर्थ होना या किसी विचार को समर्थन देना, इंग्लिश मीनिंग टू रिप्रेजेंट और मीन या टू सपोर्ट, टू रिप्रेजेंट और मीन और टू सपोर्ट। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट मतलब तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना, तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना, इंग्लिश मीनिंग टू बी नोटिसिएबल और डिस्टिंक्ट, टू बी नोटिसिएबल और डिस्टिंक्ट। स्टैंड अप टू, स्टैंड अप टू मतलब से मुकाबला करना, से मुकाबला करना, इंग्लिश मीनिंग टू डिफेंड और चैलेंज और कन्फ्रंट फियरलेसली, टू डिफेंड और चैलेंज कन्फ्रंट फियरलेसली, टू डिफेंड और चैलेंज कन्फ्रंट फियरलेसली, से मुकाबला करना। स्टैंड डाउन, स्टैंड डाउन मतलब पद त्याग करना, पद त्याग करना, इंग्लिश मीनिंग टू रिजाइन, टू विथड्रॉ एज फ्रॉम अ पॉलिटिकल कंटेस्ट, टू रिजाइन, टू विथड्रॉ एज फ्रॉम अ पॉलिटिकल कंटेस्ट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब टिकाऊ रहना,
टिकाऊ रहना, इंग्लिश मीनिंग टू रिमेन वैलिड, साउंड और ड्यूरेबल, टू रिमेन वैलिड या साउंड और ड्यूरेबल। स्टेप असाइड, स्टेप असाइड मतलब पद से इस्तीफा देना, पद से इस्तीफा देना, इंग्लिश मीनिंग टू रिजाइन फ्रॉम अ पोस्ट, टू रिजाइन फ्रॉम अ पोस्ट। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब उच्च पद से नीचे उतरना, उच्च पद से नीचे उतरना, इंग्लिश मीनिंग टू रिजाइन फ्रॉम अ हाई पोस्ट, टू रिजाइन फ्रॉम अ हाई पोस्ट। स्टेप इन, स्टेप इन मतलब दखल देना, दखल देना, इंग्लिश मीनिंग टू इंटरवेने, टू इंटरवेने। स्टेप आउट, स्टेप आउट मतलब छोड़ देना, छोड़ देना, इंग्लिश मीनिंग टू क्वाइट, टू क्वाइट। स्टेप अप, स्टेप अप बढ़ाना, बढ़ाना, इंग्लिश मीनिंग टू इंक्रीज, टू इंक्रीज। स्टिक आउट, स्टिक आउट मतलब दिखाना, दिखना, स्टिक आउट मीन्स दिखना, ध्यान आकर्षित करना, दिखना और ध्यान आकर्षित करना, इंग्लिश मीनिंग टू बी प्रोमिनेंट, टू बी प्रोमिनेंट। स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन मतलब निरस्त करना, निरस्त करना, इंग्लिश मीनिंग टू न्यूलिफाई, टू न्यूलिफाई। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, टेकन अबैक पैसिव में, टेकन अबैक पैसिव, इंग्लिश मीनिंग अचंभित हो जाना, टेक अबैक पैसिव, अचंभित हो जाना, अचंभित हो जाना, इंग्लिश मीनिंग टू बी सरप्राइज्ड, टू बी सरप्राइज्ड। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर मतलब घर के बड़ों की तरह, घर के बड़ों की तरह। टेक आफ्टर घर के बड़ों की तरह दिखाना, दिखना या करना, घर के बड़ों की तरह दिखना या करना, टेक आफ्टर, इंग्लिश मीनिंग टू रिसेम्बल अ क्लोज ओल्डर रिलेटिव, टू रिसेम्बल अ क्लोज ओल्डर रिलेटिव, घर के बड़ों की तरह देखना या करना। टेक डाउन, टेक डाउन मतलब लिख लेना, लिख लेना, इंग्लिश मीनिंग टू राइट डाउन, टू राइट डाउन। टेक इन, टेक इन इन पैसिव में, पैसिव में टेक इन मतलब धोखा देना, धोखा देना, इंग्लिश मीनिंग टू डिसीव, टू डिसीव। टेक ऑफ, टेक ऑफ ओ डबल एफ मतलब निकाल लेना, उड़ना, प्रस्थान करना, निकाल लेना, उड़ना, प्रस्थान करना, इंग्लिश मीनिंग टू रिमूव, टू लीव द ग्राउंड प्लान डिपार्ट, टू रिमूव, टू लीव द ग्राउंड प्लान डिपार्ट। टेक ओवर, टेक ओवर मतलब पदभार संभालना, पदभार संभालना, इंग्लिश मीनिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और कंट्रोल ऑफ, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और कंट्रोल ऑफ। टेक समवन फ्रॉम, टेक समवन फ्रॉम मतलब किसी को कोई और मान लेना, किसी को कोई और मान लेना, मतलब इंग्लिश मीनिंग थिंक वन टू बी समवन एल्स, थिंक वन टू बी समवन एल्स। टेकन टू, टेकन टू मतलब लत लगना, लत लगना, इंग्लिश मीनिंग टू बिकम एडिक्टेड, टू बिकम एडिक्टेड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, टेक अप, टेक अप मतलब किसी काम को शुरू करना, किसी काम को शुरू करना, इंग्लिश मीनिंग टू बिगन टू परस्यू, टू बिगन टू परस्यू। टर्न डाउन, टर्न डाउन या टोन डाउन, तीव्रता में कमी करना, तीव्रता में कमी करना, इंग्लिश मीनिंग टू लेसन द इंटेंसिटी, टू लेसन द इंटेंसिटी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, टच अपॉन या टच ऑन, टच अपॉन और टच ऑन, इंग्लिश में मतलब व्याख्या करना, संक्षिप्त में व्याख्या करना, टच अपॉन और टच ऑन, इंग्लिश मीनिंग टू डील विथ अ टॉपिक इन पासिंग, टू डील विथ टॉपिक पे इन पासिंग। टच अप,
टच अप मतलब तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना इंग्लिश मीनिंग, टू इम्प्रूव बाय मेकिंग माइनर करेक्शन, टू इम्प्रूव बाय मेकिंग माइनर करेक्शन, टॉय विथ मतलब किसी योजना पर अनमने ढंग से विचार करना, किसी योजना पर अनमने ढंग से विचार करना इंग्लिश मीनिंग, टू प्ले विथ, ट्राई ऑन मतलब पहन कर देखना इंग्लिश मीनिंग, टू वेयर समथिंग ब्रीफली टू चेक इट्स फिट, टर्न डाउन मतलब अस्वीकार कर देना अनुरोध, जैसे कि अनुरोध को अस्वीकार कर देना इंग्लिश मीनिंग, टू रिफ्यूज और रिजेक्ट, टर्न आउट टू बी मतलब साबित होना इंग्लिश मीनिंग, टू प्रूव टू बी. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, टर्न आउट मतलब किसी कार्यक्रम में शामिल होना इंग्लिश मीनिंग, टू कम टू अ मीटिंग और टू फॉर्म अ क्राउड. टर्न अप मतलब कहीं पहुंचना इंग्लिश मीनिंग, टू अराइव. वेट ऑन मतलब सेवा करना इंग्लिश मीनिंग, टू सर्व द नीड्स ऑफ विजिट. वियर ऑफ मतलब हल्का या कमजोर पड़ जाना इंग्लिश मीनिंग, टू लॉस इफेक्ट. वियर आउट मतलब बहुत थका देना घिस जाना इंग्लिश मीनिंग, टू टायर ग्रेटली टू गेट डैमेज्ड घिस जाना. वेट डाउन मतलब किसी बोझ या निराशा से दब जाना इंग्लिश मीनिंग, टू मेक एनर्जियस टू बर्डन. While away मतलब बेफिक्री से समय बिताना इंग्लिश मीनिंग, टू स्पेंड टाइम लेजरली. वर्क अप मतलब धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाना इंग्लिश मीनिंग, टू इंटेंसिफाई ग्रेजुअली. नेक्स्ट राइट ऑफ मतलब महत्वहीन करार देना इंग्लिश मीनिंग, टू डिसरिगार्ड एज इनकॉन्सिक्वेंशियल. और इसके साथ ही आज का सेशन और टोटल 301 फ्रेजल वर्ब्स को मैंने नीतू सिंह के बुक से कवर कर दिया है और आई होप आप सभी का ये फ्रेजल वर्ब बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और तैयार हो जाएगा. तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में.